इंडिया और ब्राजील के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसकी जो सबसे बड़ी इसका जो साइन है वो ये है कि इंडिया और ब्राजील की जो डिफेंस डेलीगेशन है उनकी मुलाकात हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके अंदर ये डिसाइड किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो ब्राजील से उनका जो एम्ब्रेयर C-390 कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो खरीदेगा, और बदले में जो है वो ब्राजील इंडिया से LC-Tejas जिनका फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको खरीदेगा। अगर हम इंडियन तेजस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डेस्परेटली वो तमाम ऑप्शंस को जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिसमें डिप्लोमेटिक सोशल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिफेंस रिलेशन, और इसके साथ साथ वो तमाम जितने भी चैनल्स जो इंडिया के पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि LC-Tejas के लिए जो है वो पोटेंशियल ऑर्डर्स जो है वो ग्रैब किए जाएं और इंडियन LC-Tejas जो है वो सेल आउट किए जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो पैकेज है ये ब्राज़ील के साथ जो डेवलप हो रहा है अभी, ये डिफेंस एग्रीमेंट डेवलप हो रहा है, ये मेच्योर हो जाए और फर्स्ट कस्टमर जो है वो LC-Tejas को मिल सके। इंडिया जो है वो इसके साथ साथ अगर हम जितने भी इंटरनेशनल कोऑपरेशंस देखें, इंटरनेशनल जितनी भी अगर हम गैदरिंग देखें, कॉन्फ्रेंसेस देखें, या चाहे वो डिफेंस एग्जीबिशंस हो, तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स की स्पेशली ये कोशिश होती है कि वो अपने LC-Tejas को ज़रूर वहाँ पर पिच करें और कोशिश करें कि वहाँ पर उनके लिए कोई कस्टमर जो है वो सर्च आउट किए जा सके। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो चंद वीडियोस भी हमारे सामने आई थी जिसमें इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो LC-Tejas के अंदर बैठे हैं और वो उसकी जो है वो फ्लाइट को टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक सॉर्टी भी ली। तो ये जो सॉर्टीज थी और इस तरह की जो कोशिश वो इंडियन गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि जितने भी पोटेंशियल बायर्स हैं, जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं LC-Tejas के, उनको ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जा सके, उनको ये कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि जी इंडिया का जो LC-Tejas है ये एक कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसको फ्लाई करना, इसको जो है वो इस्तेमाल करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो प्रूफ हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो अब इसके नंबर को इंक्रीज कर रही है और इंडिया का जितने भी फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस है उन पर इसको जो है वो तैनात किया जाएगा। रंग शक्ति जो अभी रिसेंटली जो एक्सरसाइजेज इंडिया की कंक्लूड हुई है उसके अंदर भी इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने इसको फ्लाई किया है, उसकी जो है वो तारीफ की है और जोर दिया है उन तमाम एयरफोर्सेस पर जो है जो कि या तो इस खत्ते के अंदर एशिया के अंदर मौजूद है या फिर जो है वो यूरोप के जो बाकी ममालिक हैं उनके अंदर भी जो है उन्होंने इस पर जोर दिया, इस बात पर जोर दिया है कि उनको LC-Tejas जरूर जो है वो एविजुएट करना चाहिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और इसके साथ साथ ये एक टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। रिसेंटली जो विजिट हुआ है ब्राजीलियन एयरफोर्स का और ब्राजीलियन आर्म फोर्सेस का, उनके जो चीफ्स हैं उन्होंने विजिट किया है, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया है जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडियन ड्रोन हैं, और इसके साथ साथ LC-Tejas उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट लिया है। और ये जो कॉपरेशन है, ये डिफेंस कॉपरेशन, ये अब इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्राजीलियन गवर्नमेंट ये चाहती है, ब्राजीलियन एयरफोर्स उनकी जो आर्म फोर्सेज है वो ये चाहती हैं कि इंडिया जो है वो ब्राज़ील से C-390 जो उनका एम्ब्रेयर का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो खरीदे और इसके साथ और भी इक्विपमेंट्स खरीदे और इसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंडिया के अंदर फैसिलिटी कायम करके वहाँ पर मैनुफैक्चर किया जाए। तो ये एक डिफेंस कॉपरेशन है जो कि इंक्रीज हो रहा है और आने वाले वक्तों के अंदर देखते हैं कि क्या ये कॉपरेशन है, डिफेंस एग्रीमेंट है, क्या ये मेच्योर होता है, क्या ब्राजीलियन गवर्नमेंट ब्राजीलियन एयरफोर्स LC-Tejas को जो है वो बाय करती है और इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी कायम होती है टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, आने वाले वक्तों के अंदर इस पर बात जरूर करें। उम्मीद करूंगा कि आपको इंडियन एयरफोर्स के वाले से, LC-Tejas के वाले से और ब्राजीलियन एम्ब्रेयर C-390 के बारे में मालूम में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।